स्टार। अच्छा, अब ये क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इसका अगर इधर कॉन्टैक्ट दिया हुआ है तो आप इसे पकड़ लें, सार के तौर पे इसका दिया हुआ कॉन्टैक्ट, जिसका ईमेल दिया, सिर्फ आपने वो ऐड करनी है, सिर्फ आपने वो करनी है। अब अगर आपको मिले तो ठीक है, मैं आपको ऐसी वेबसाइट दूंगा जिसका आपको ना आसानी से मिल जाएगा। हमने ये गेमिंग की पकड़ लिया ना, इस वजह से ना थोड़ा काम चीदा हो गया है। अब हमें तो कुछ सिंपल वेबसाइट पकड़ते हैं, आप लोगों को मैं सिंपल दूंगा वेबसाइट, अच्छी वाली वेबसाइट दूंगा देखना। अब साल को अगर हम जो जनरल साइट पकड़ लेते हैं उसमें तो क्लाइंट के लिंक होंगे, हाई डी जनरल साइट पकड़ लेते हैं जिनकी जो ना ट्रैफिक और प्राइस ज़्यादा हो। ये तो होती है, ये तो होती है। अच्छा, इधर जनरल कोई अच्छी सी जिसका डी अच्छा हो, इधर डी लिखा होगा ट्रैफिक की। अब ये देखेंगे ये वेबसाइट है वाली, इसकी ट्रैफिक भी अच्छी है, ये ओपन कर लेते हैं हम। देख 62 है, ये देख लेते हैं, ये ओपन करते हैं, चले। हाँ ये ठीक है, अब हमने ये वेबसाइट फर्स्ट कर मेक ओपन कर ली, ठीक। आपने ना आप लोगों ने पहले शीट बना लेनी, उसका नाम लिख लेना है क्लाइंट डेटाबेस, ठीक है ना, या क्लाइंट साइट्स, उसके बाद ये साइट्स लिख लेना, डी एरिया स्पेक्स ट्रैफिक कॉन्टैक्ट्स, इस तरह आपने इसको कर लेना शीट को, ठीक है। अब आप लोगों का यही काम है, ठीक है, दिन रात, ठीक है। आपने मैं आपको वेबसाइट दूंगा, आपने उसको ओपन कर लेना है। अब उसमें से आपने क्या करना है, बारी बारी क्लाइंट निकालना शुरू कर देना है। अब देखिए इसमें आर्टिकल लगेंगे, आपने ना सबसे पहले बिजनेस में जाना है, इधर कितनी सारी कैटेगरीज है, ठीक है, आपने बिजनेस में जाना है। अब ये सिर्फ आपके सामने बिजनेस के आर्टिकल लाएंगे, हमारे पास बिजनेस की वेबसाइट भी है। अब देखिए, अब आप ना दो तीन आर्टिकल ओपन कर लें, एक ये दो और ये तीन, ठीक है। अब तीन आर्टिकल आपने ओपन कर लिया, अब हर ये आर्टिकल है, इसके आर्टिकल के अंदर ना ये लिंक लगा हुआ है, ये देखिए ये है, ये लिंक लगा हुआ, ये क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक होगा, इसको आप ओपन कर लें। देखिए ये ओपन हो गया। अब आप ये डॉट कॉम तक क्या करें, कॉपी कर लें डॉट कॉम तक, ठीक है ना, डॉट कॉम तक आपने कॉपी। आप पहले कॉपी करने से पहले आप ये देख लेना इसके कॉन्टैक्ट अस है, आप इसका कॉन्टैक्ट अस भी देख, इसने फॉर्म फॉर्म पेज दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। इसने ये देखें फॉर्म पेज के अलावा इसने फेसबुक भी दिया हुआ है, देखते हैं इसकी फेसबुक पे इसका मेल है, देखते हैं इसका फेसबुक, ये देखें इसका पेज बना हुआ है, ये देखें नाम आ रहा है ना, तो इसकी वेबसाइट का नाम, ये देखिए इसकी वेबसाइट का क्या नाम था, आउटसोर्सिंग एंजल जो भी है वही इसके फेसबुक पेज का नाम है। इधर इधर इसने अपना मेल दिया होगा, मेल अगर नहीं दिया, ये देखिए मेल दिया हुआ, ये देखें देख रहे हैं आप, इसने अपना मेल दिया हुआ। अब क्या करें, अब एक वेबसाइट आप ये इसको कॉपी कर लें, ठीक है, इसको वेबसाइट को कॉपी करके, ये क्लाइंट की वेबसाइट है, आप इधर सेव कर लें, पेस्ट कर दें, ठीक है। और अब इसके इधर कॉन्टैक्ट लिख लें, कॉन्टैक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट जैसे कॉपी करें, ठीक है ना, और इधर आप पेस्ट कर दें, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब इसका आप रंग चेंज कर दें, इसको आप कर दें ब्लैक, इसको आप कर दें वाइट, ठीक है, हो गया। अच्छा, दूसरा दूसरा ये हो गया हमारा, एक एक हो गया हमारा वेबसाइट, ये इसको आप क्लोज कर लें, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये एक एक क्लाइंट हमने हट कर लिया, चलिए इसको साइड पे करें। अब ये दूसरा आर्टिकल है, इसका देखते हैं लिंक, इधर इसका लिंक लगा होगा कोई इस क्लाइंट के अंदर, आर्टिकल के अंदर इसका लिंक नहीं लगा, उसको जारी बात है, फिर आप छोड़ देंगे, इसका लिंक लगा हुआ है। देखिए आपने ना ये काम तेजी तेजी से करना है, तेजी तेजी से आप देखेंगे लिंक लगा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ तो दूसरा आर्टिकल ओपन कर लेंगे, ठीक है, ये आर्टिकल ओपन हो गया, ये देखिए ये लगा हुआ है, ये शायद हमने पहले भी देखा है, हम तीसरा ओपन कर लेते हैं ना, ये तेजी से आपने चीज देखें, तेजी से काम करना है। अच्छा, ये लिंक लगा हुआ, ये वाला लिंक लगा हुआ, इसको आप ओपन इन न्यू टैब कर लें, ठीक है, आपने आर्टिकल ओपन कर लिया न्यू टैब में। अच्छा, अब ये क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक है, अच्छा ये इसका कॉन्टैक्ट ऐसे ही था, देखें इसने दिया हुआ मेल, देख इसने ना ये दिया हुआ फॉर्म, ये देखिए इसने दिया हुआ अपना, ये देख इसने अपना रब्ता दिया हुआ है। क्या करें, इसका जो है यूआरएल कॉपी कर लें, ठीक है, इसको इधर क्लाइंट की वेबसाइट में सेव कर दें, और इधर इसका कॉन्टैक्ट ऐसा आगे इसका लिख लें, किधर गया वो, ये है इसका ना, इधर से ना कॉपी कर लें, कॉपी लिंक एड्रेस, इधर आके आप उसका पेस्ट कर दें, हो गया। ये देखें अब तीसरा करें आप, इस तरह आप लोग करेंगे सारे तौर पर। अब ये हम अपने ऊपर कर लें, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। अब ये तीसरा आर्टिकल है, इसमें देखें, ये देखें बाय बिटकॉइन, ये लिंक ये नहीं लगा हुआ, लिंक ये हाईलाइट हुआ हुआ है लेकिन लिंक देखें ना, राइट क्लिक कर और न्यू टैब में नहीं आ रहा, नहीं लगा, ये लिंक लगा हुआ है, देखें ये आ गया, देखें ये लिंक आ गया, ये देखें बाय बिटकॉइन। अब इस तरह ये बिटकॉइन से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है तो ये उसका दे रहा है, या ये बिटकॉइन ये कोई बंदा अफिलियट मार्केटिंग कर रहा है बिटकॉइन का, सेल करके अपना कमीशन रखेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी इसका कॉन्टैक्ट मैथड देखते हैं, अगर इसने कॉन्टैक्ट मैथड दिया हुआ ठीक है, 100 का, अगर इसने नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, हम इसकी फेसबुक से जाकर उसका ले लेंगे सवाल के तौर पर। अगर आपको नहीं ना मिला कॉन्टैक्ट मैथड, आप इधर कंट्रोल एफ दबाएं,
और एट द रेट ये तो नहीं हो रहा अल्फा नहीं, इधर आप लिख लें कॉन्टैक्ट, अगर 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 तो हुआ तो आप मिल जाएगा कॉन्टैक्ट, नहीं मिलेगा। अच्छा आपको नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला आपने ढूंढना है आपको नहीं मिला। चलो जी आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना किसी पे भी, अगर नहीं मिला ज़्यादा जलील नहीं होना, ये फजूल काम है, नहीं तो नेक्स्ट भी चले जाए। अब देखिए अब मैंने इसकी फेसबुक पे भी क्लिक करा, मुझे नहीं कोई जरूरत आ रहा, अब इसको क्लोज कर दे फटाफट आर्टिकल, प्योर इसे ओपन कर लें प्योर फटाफट, ये टाइम नहीं लगा करना फटाफट फटाफट ओपन। अच्छा ये अब ये आया है, ये देखिए अब इसका ये लिंक आया है, अब इसको ओपन कर लें, अब लिंक इन न्यू टैब ये ओपन कर लें। इस आपको पता है इस मैसेज में बड़ी ज़्यादा जो है ना ये पोटेंशियल है, इस मैसेज में ये होती है गूगल गूगल से क्लाइंट हंटिंग, ये आप करेंगे आज, कल आपसे लिंक्डइन, कल आपको ना लिंक्डइन का भी बताऊंगा, सिर्फ गूगल से और लिंक्डइन को करेंगे, सिर्फ गूगल और लिंक्डइन को आप करेंगे। अली ने ये कहा कि सिर्फ आप गूगल और लिंक्डइन पे करेंगे, ठीक है गूगल और लिंक्डइन से ठीक करके हम अच्छी इनकम जनरेट कर लेंगे। अच्छा अब हम जिस कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट पास मिल जाती है, जिसने कॉन्टैक्ट किया हुआ इसे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, इसे कॉन्टैक्ट में अगर इसने तो मेल दिया हुआ ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। मैं आपको तीन का करके दिखाऊंगा आगे, फिर आपको बताऊंगा आप क्या करें। चल शाबाश हो जा, नहीं हो रहा इस वेबसाइट में कोई इशू है, ठीक है ना नेट में नेट ठीक है। अब ये लिंक ओपन कर लेते हैं, ठीक है अब आपने तेज तेज से काम करना जैसे मैं कर रहा हूँ। अब ये देखिए ये लिंक है इसका ओपन कर ले क्लाइंट का, ये आपने ओपन कर लिया लिंक, ठीक क्लाइंट की वेबसाइट है, इसने कॉन्टैक्ट दिया तो ठीक है, नहीं तो आप ये देखें, अब ये देखें ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, देखें एक प्रोडक्ट ये कितने की है 399 की। अब ये शराब तो नहीं है ये देखते हैं आप, अगर ये शराब है तो फिर आप इसको प्रमोट ना करें, लेकिन अगर तो ये हलाल प्रोडक्ट है, मुझे तो पता नहीं शराब ही लग रही, लेकिन क्या पता परफ्यूम हो, मुझे पता कोई नहीं, विस्की विस्की ये लिखा हुआ है, ये शराब ही है, आपने इसको नहीं करना शेयर के, प्योर देख लें आर्टिकल मिसाल के तौर पर, ये मशीन का इसको ओपन कर लें, ठीक है ये देखें ना कुछ और आर्टिकल, एक ये ओपन कर लेते हैं, ठीक है एक ये बिजनेस के बारे में कंपनी के बारे में ये ओपन कर लें, अब ये है ये ओपन कर लें कपड़ों के बारे में ये ओपन कर लें, हलाल आर्टिकल देखिए ये बिजनेस के बारे में ये ओपन कर लें, हर हर बड़े आर्टिकल होंगे। अच्छा अगर आपको खत्म होते हैं ना आर्टिकल, ये देखिए दूसरा पेज है तीसरा पेज है नाइन पेज है, उसके आगे भी बड़े पेज हैं, एक एक वेबसाइट में हजार हजार जो ना क्लाइंट है। अच्छा अब देखते हैं हम इसमें जो आर्टिकल लगा लिंक लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव कर देंगे। अब ये देखिए ये लिंक लगा हुआ है ठीक है, एक लिंक ये मुझे नज़र आया, और ये देखिए लिंक है कोई नहीं, ये लिंक लगा हुआ है, अब ये देखिए ये लिंक है वेबसाइट का, अब देखते हैं अब हम ये देखते हैं इसका कॉन्टैक्ट इसने दिया हुआ है, सबसे पहले आपने देखना कॉन्टैक्ट अगर दिया हुआ उस वेबसाइट पर आपने सेव कर। अच्छा जी देखते हैं कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा इसको, आ गया ये देखिए अब इसका आ गया कॉन्टैक्ट, इसने क्या दिया इसने मेल दिया कि नहीं दिया, देखते इसने इतने ज़्यादा मेल नहीं दिया, अब किसको उठाएंगे आप, देखिए किस किस का मेल इसने दिया हुआ है, सेल्स वाले जो होते हैं ना सेल्स वाले उनको आप उठाएंगे मिसाल के तौर पर। अब ये वेबसाइट है अब ये आ गई है ना, ये देखिए अब इधर आप क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे, ठीक है इधर आप क्या करेंगे आएंगे इधर पेस्ट करेंगे इसको, और इधर से इस वेबसाइट पर जो है जो जो भी मुआशवाद आया ना इधर इधर से आप किसी भी सेल्स वाले बंदे को उठा लेंगे, सेल्स वाले बंदे का सेल्स वाला कौन है ये लिखा हुआ है ये देखिए ये सेल्स वाला, किसी का भी एक एक ही उठाना है ज़्यादा नहीं उठाना, एक ही उठा लें देखिए इधर ऐड कर दिए, चलो खत्म। चलो जी इस तरह आप फाइंड करते जाएंगे मिसाल, अब एक एक और आर्टिकल का आपको करके देंगे, देखिए अब ये है इसका एक लिंक इसको ओपन करेंगे आप, ठीक है लिंक को अब हमें सारे क्लोज करता जाता हूँ, ये आखिरी बता रहा हूँ आपने ऐसे करना, ये देखिए अब ये एक आर्टिकल है ना आर्टिकल है उसके अंदर ना ये जो ना अगर लिंक लगा हुआ है ठीक है, तो हम नेक्स्ट मूव कर देंगे, यार ये बात है कुछ आर्टिकल में नहीं लिंक लगा हुआ कोई बात नहीं, खैर ये देखिए आखिरी खोलते हैं इसमें शायद लगा हुआ लिंक, हम इसको देखेंगे ये देखिए ये लगा हुआ लिंक, अच्छा जी ये देखिए ये लगा हुआ लिंक ये ओपन हो गया, ये है ये जो क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक है ठीक है। अब आप देखेंगे इसने हमें कॉन्टैक्ट दिया हुआ है अपना, ये देखिए ये दिया हुआ है इसने अपना ये, अगर इधर मेल नहीं है ना ईमेल, सिर्फ ईमेल वालों को पकड़ना है आपको, सिर्फ ईमेल वालों को कोशिश करना है, सिर्फ ईमेल वालों को, अगर उसने ईमेल नहीं दिया तो आप इसके लिए उसकी फेसबुक पे चले गए, फेसबुक ओपन कर ले उसकी, ठीक है ये देखिए इसका पेज बना हुआ है, देखें अब ये देखें इधर उसने ईमेल दिया हुआ है, देख रहे हैं आप ये लोग ये देखें तो उसने अपना ईमेल दिया हुआ है, अब इसकी वेबसाइट क्या करें इधर से कॉपी करें, कॉपी कर लिया आप इधर आप सेव कर लें, उसके बाद इधर आप उसका अपना ईमेल लिख लें, इधर से कॉपी करें आप ईमेल
ठीक है, कॉपी ईमेल एड्रेस को जाकर पेश कर दे। अच्छा अब आप हर हर बंदे को, मैं ना अब इसको क्लोन कर दे, हर बंदे को मैं क्या करूंगा, हंड्रेड साइड हंड्रेड एक साइड दूंगा, वो आप ओपन करेंगे, उसमें से आप 100 साइटें निकालेंगे, 100 साइटें हलाल है, हराम ना हो, ठीक है, हलाल है, मतलब उसमें कैसीनो का आर्टिकल का ना हो, क्लाइंट की वेबसाइट का ना हो, या इस तरह की कोई भी बुरी वेबसाइट उसकी ना हो, अच्छी वेबसाइट हो, हलाल है, बिजनेस के बारे में वगैरह वगैरह जो भी आपको पता है। अच्छा उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट मैटर आगे सेव करते जाएंगे, जब 100 हो जाएंगी ना, 100 हो जाएंगी, जब 100 हो जाएंगी फिर आप क्या करेंगे, इधर हमारी हमारी वेबसाइट होंगी, अगर मैं तो मैं बोल सकता हूँ ये हमारी। चले देखिए, जब जब 100 हो जाएंगी ना, 100 हो जाएंगी आपकी 100, आप फर्ज करेंगे आपकी 100 हो जाती है वेबसाइट, 100 हो जाते हैं कॉन्टैक्ट, उसके बाद आप डीए लिखेंगे, आप लिखेंगे इधर सर्च करेंगे बल्क डीए पी ए चेकर, जब आप लिखेंगे बल्क डीए, बल्क चेक करेंगे आप बल्क डीए। अच्छा ये जो बल्क वाला है ना, ये सुबह काम करता है रात को नहीं करता, उसकी वजह ये है कि सुबह टाइम इस पे ना ट्रैफिक बड़ी कम होती है, रात टाइम ट्रैफिक बड़ी ज्यादा हो जाती है, ट्रैफिक जारी बात है ज्यादा, एक वेबसाइट पे हद से ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है, उसकी लिमिट है, तो वो उसका जो सर्वर है ना वो क्रैश हो जाता है, इस तरह का जो इशू हो जाता है। अच्छा अब आप ना इससे आप कॉपी करेंगे 10 10 वेबसाइट्स को, इसके अंदर आप पेस्ट करेंगे, ठीक है, आप इसके गैस रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, आपको रिजल्ट देता जाएगा, ये देखिए आपको देता जा रहा है डी ए पी एस पे, उसको भी इसलिए देखिए चार ही थी ना हमारे पास वेबसाइट, इसने आपको चार का बता दी, देखिए डी ए पी, आपने इसे क्या करना है, आपने जस्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है, आपने इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है, पेस्ट कर दिया, इधर से आपने डी ए पी एस पे उसको उठा लिया, ठीक है, डी ए पी एस पे उसको आपने उठा लिया, कॉपी किया, इधर आपने आके पेस्ट कर दिया, और ये वाली आपने चीज़ इधर से हटा दी, आपने इन सबको सेलेक्ट किया ऐसे, इधर से आपने हटा दी, बस काम खत्म। ये देखें वो ट्रैफिक ट्रैफिक जो है ना आपने खुद लिख लेनी है कैसे, इधर आप सर्च करेंगे फ्री ट्रैफिक चेकर, फ्री ट्रैफिक चेकर, ठीक है, आप सर्च करेंगे इधर से जो है ना, जो ये देखें उसका ना डी ए 60 से नीचे होना चाहिए, ये देखें अब ये जो 82 वाला डी ए है, ये तो जारी बात है, इसको तो ये तुम्हारा क्लाइंट नहीं बन सकता, इसको आप रिमूव कर दें, जो 60 से नीचे जिनका डी ए है वो आप जरूर जो है ना देते हैं ऑर्डर, उनको बैक सीन्स की जरूरत होती है, जारी बात है, जिनका डी ए 60 60 से नीचे, इतना डी ए उनको हम 60 70 से ऊपर डी ए वाली साइज दिखाएंगे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये देखें अब ये है ना, ये वेबसाइट है, इसमें कोई भी हम वेबसाइट जो है ना कॉपी करेंगे, इधर आके पेस्ट करेंगे, क्लाइंट की वेबसाइट पे जो है ना ज़्यादातर ट्रैफिक जीरो होती है, अभी हम चेक कर लेंगे, ये हम अंदाजन तकरीबन तकरीबन बता देंगे इसकी जीरो, चले अंदाजन इसने मैं बता दिया इसकी जीरो ट्रैफिक, इसे कॉपी करें इधर आपके लगा दें, ठीक है, जीरो है, इतना बड़ा जीरो तो नहीं चाहिए, इधर आप जीरो वैसे लिख दें, ठीक है, अब ऐसे आप वन बाई वन ट्रैफिक चेक करते जाएंगे, ठीक है, खुद ही खुद ही खुद ही आप करेंगे। अच्छा हर बंदा अपना अपना करेगा, समझ आ रही है ना सब, ठीक है, समझ आ रही है। हाँ इसकी भी जीरो है, क्लाइंट की वेबसाइट में ज्यादातर जीरो जीरो होता है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, ठीक है ना, जिसकी ट्रैफिक होगी वो आपको पता चल जाएगा, अगर आप सैम रश चेक करना चाहिए वो भी आपको जीरो ही बताएगा, क्योंकि इसकी क्लाइंटों की वेबसाइट ट्रैफिक जीरो होती है, मतलब उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक कोई ना जीरो होती है तो वो हमें ऑर्डर देते हैं ना, उनकी ट्रैफिक नहीं होती इतनी ज़्यादा, इसकी भी जीरो है। अब इसको अगर आपने अगर आप सैमरे से चेक करना चाहते हैं आप खुद से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए, इधर से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, ये सैमरे से इसको ओपन कर लेते हैं, वो इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, हमें पेस्ट कर लिया, चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लिया, अब हमें इसकी कितनी ट्रैफिक है वो हमें बता देगा, ये देखिए 800, चलो 844 ट्रैफिक है सैमरे की, ठीक है, जैसे हम कॉपी कर लेते हैं, वो जीरो बता रहा था इसने 844 बता दिया, आप इधर से कर लेंगे 844, इधर लिखने 844, इधर से इसकी भी आप सैमरेज से चेक कर लें, ठीक है, सारों से